Hello everyone. So in this video we are going to see the chapter of marginal costing, which is the first topic. तो आज के इस वीडियो में हम marginal costing का बेसिक सीखेंगे, marginal costing के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो सीखेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व भी करेंगे जिससे आपके फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने का जो मेन पार्ट है वो आपको पता चले। तो शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल। आपने सेमेस्टर 5 में दो टाइप के कॉस्ट पढ़े होंगे कॉस्ट शीट चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। तो दिस चैप्टर बेसिकली फोकसेस मोर ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है दैट इज अ टेक्निक, it is a technique of controlling by bringing out relationship between the profit and the volume. तो profit और volume के बीच का जो relationship है ये identify करने के लिए हम marginal costing technique use करते हैं। हम profit का relationship find करते हैं हमारे sales के साथ, जिसके लिए हम contribution calculate करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि ये contribution अभी क्या नया concept है जो आपको याद रखना है। तो first of all, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। आप अगर 10 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है उसके बाद हम प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। वी आर फाइंडिंग आउट द PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप, एंड देन वी आर डिडक्टिंग द फिक्स कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द मेन पॉइंट। Only variable cost are charged to the product. तो basically variable cost are charged to the product. Variable cost मतलब ऐसा cost जो selling price increase decrease होने के साथ वो भी cost increase decrease होता है। Fixed cost ऐसा cost होता है जो sale से related नहीं होता, वो cost हमेशा fix रहता है। जैसे कि मैंने आपको example पहले भी दिया था, जिसके लिए fixed cost के लिए सबसे best example क्या है? Rent। अगर हम घर में रहते होंगे, rent पे हमने अगर घर लिया है और अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें रेंट भरना ही है। अगर हम कुछ मंथ्स के लिए बाहर जाते हैं तो भी हमें रेंट भरना ही पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। इफ़ यू सी द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्समैन का कमीशन। सेल्समैन का कमीशन अगर 10% मैंने रखा है तो 10,000 अगर आप सेल करोगे तो भी सेल्स के ऊपर कमीशन 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000 आ जाएगा। अगर हम सेल्स को बढ़ाते हैं 20,000 कर देते हैं तो सेल्समैन का कमीशन तो 10% ही है, लेकिन 20,000 पे अभी 10% 2,000 आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे सेल्स कम होता है वैसे वैसे ये कॉस्ट कम होती है। उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जानते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर टू इम्पॉर्टेंट कॉस्ट, बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर मोर फोकसिंग ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, जिसमें हम PVR एक वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। PVR का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखना है। दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करना है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं सेल्स की वैल्यू लेता हूँ 10,000। सेल्स मैंने अज्यूम किया 10,000 ताकि आपको समझ में आ जाए। सेल्स इज 10,000। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 6,000, तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी? वैल्यू मिलेगी 4,000। इस 4,000 को इस चैप्टर में क्या नाम देना है हमको? इस चैप्टर में हमको इसको नाम देना है कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट 1,000 है, 4,000 माइनस 1,000 करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज़ द फाइनल आंसर। और आपको इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है जो मैंने यहाँ पे दिया है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं आपको बोलूँ कि कंट्रीब्यूशन ढूंढना है तो आप बोलेंगे कैसे ढूंढना है सर कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, बराबर है। और दूसरी तरीके से भी कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं, प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करें, देखो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स हमारा कितना है 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6,000 है, तो हमको कंट्रीब्यूशन आएगा 4,000। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, प्रॉफिट कितना है हमारा 3,000 है प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है 1,000 है, तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 4,000। तो बोथ द मेथड्स वी कैन कैलकुलेट। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज, कोई भी फॉर्मूला से आप कोई भी आंसर तक जा पाओगे, इसलिए फॉर्मूलाज ध्यान रखने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है। आई होप कि आपका इक्वेशन क्लियर हुआ रहेगा। इक्वेशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट, and the equation which you have to remember is sales minus variable cost equal to fixed cost plus profit. That is very very important part because यही equation से हम बहुत सारे questions को solve करेंगे, so that is very important part which you have to remember. आगे बढ़ते हैं तो some formulas है आपको ध्यान रखने, ये formulas है, ध्यान से इसको पढ़ते रहना और जितनी questions की practice आप करोगे उतने आपको formulas याद रहेंगे। तो first of all आपका formula है profit volume ratio का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देखो पीवीआर कैसे ढूंढते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पीवीआर का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज में आता है इसलिए इंटू 100 करना है। फिर कंट्रीब्यूशन ढूंढने का दूसरा तरीका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, बात यही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आंसर तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पीवीआर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हम कभी कभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेकेंड फॉर्मूला, तो वहाँ पे आपको याद रखना है, जब आपके क्वेश्चन में 2 साल दिए रहेंगे, 2 ईयर्स दिए रहेंगे, 2 पीरियड्स दिए रहेंगे, तो वी हैव टू यूज़ द सेकेंड फॉर्मूला। And the second formula, if 2 years are given, change in profit divided by change in sales into 100. फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूला को याद रखें, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज विच वी आर लर्निंग नाउ। द सेकेंड पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस, उतने ब्रेक इवन तक हमें जाना ही है, उसके ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हमने जितनी कॉस्ट लगाई है उतनी कॉस्ट कौन से ब्रेक इवन तक आएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है बीईपी। बीईपी हम रुपीस में कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज वी आर कैलकुलेटिंग इट इन द यूनिट्स। तो बीईपी रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, और बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान रखना इस चैप्टर का एक सिंपल रूल आपको बता के रखता हूँ, जहाँ पे भी यूनिट्स की बात करेंगे, जहाँ पे भी यूनिट्स की बात की जाएगी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, ठीक है। यूनिट्स अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अमाउंट अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है पीवीआर से। दैट इज द सेकंड फार्मूला। थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी 2 फार्मूलाज है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, जो फर्स्ट फार्मूला है एमओएस के बेसिस पे, एमओएस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज द फर्स्ट फार्मूला। एंड द सेकेंड फार्मूला इज एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट को अगर हम पीवीआर से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा। तो अभी आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, तो ये दोनों फार्मूलाज आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एनी फार्मूला यू कैन यूज़। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो यूजुअली हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करते हैं। दोनों फार्मूला से जो हमको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है। तो यूजुअली वी आर यूजिंग द सेकेंड फार्मूला नॉर्मली, कभी कभी फर्स्ट फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दोनों फार्मूला से कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अगर दोनों फार्मूला से आंसर सेम आता है दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। फोर्थ फार्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का। फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस प्रॉफिट, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये 4th नंबर का जो फॉर्मूला है और ये 6th नंबर का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है। अगर हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स इंटू पीवीआर करके प्रॉफिट करेंगे माइनस, और अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स इंटू पीवीआर तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे हम फिक्स कॉस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेल्स पूछा जाता है, रिक्वायर्ड सेल्स, समबडी कॉल इट एज डिजायर्ड सेल्स ऑल्सो। तो इफ डिजायर्ड सेल्स इज आस्क और रिक्वायर्ड सेल्स इज आस्क, दिस इज द पॉइंट। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट प्लस पीवीआर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इन सम और द अदर क्वेश्चंस दे फोकसेस ऑन द यूनिट्स। इफ यूनिट्स आर आस्क्ड टू यू, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको यूनिट्स पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, और अगर आपको अमाउंट पूछा है तो पीवीआर से डिवाइड करो। ये जो 6 फॉर्मूलाज है इसी पे पूरा आपका कैलकुलेशन बनेगा। एक थोड़ा सा रिवीजन देखो, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी आर इन नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सारी चीजें करेंगे एक एक करके। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹10 पर यूनिट, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 एंड फिक्स कॉस्ट इज 20,000। कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बीईपी रुपीज एंड यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना लिखना है पहले, बाकी का लेस फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं लिखना है बिकॉज ये यूनिट्स दिया है और यहाँ पे अमाउंट दिया है। तो सेल्स देखो कितना है, प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹10, यहाँ पे मैं लिखूंगा ₹10। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया है 6, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन विल बी 4, तो कंट्रीब्यूशन हमको आया 4। ध्यान से सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे अगर कुछ भी गलत कर दोगे तो आगे आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला है, पीवीआर। हाउ डू वी कैलकुलेट पीवीआर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन को अगर सेल से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना मिला 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर विल बी 40%। तो 40% आपका पीवीआर है। वेरी इजी कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बट सिंपल चीज़ ही हमेशा गलत होती है। और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने पीवीआर को गलत कर दिया तो आगे आपके सही क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाएंगे, आगे के सारे कैलकुलेशंस आपके गलत हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। तो क्वेश्चन मैंने सामने रखा है आपके, यही क्वेश्चन है। पीवीआर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो इधर मैं लिख लेता हूँ, पीवीआर हमारा हो चुका है। क्या था फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स टू 100, 4 डिवाइडेड बाय 10 टू 100। कितना परसेंट हमारा पीवीआर आया, पीवीआर आ चुका है 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है, बीईपी। बीईपी पीस रुपीस का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना है फिक्स कॉस्ट हमारा, फिक्स कॉस्ट है 20,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट देख लेते एक बार, फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000। सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, 20,000 डिवाइडेड बाय 40%। क्या करना है आपको, 20,000 डिवाइड करना है 40 और परसेंटेज का साइन आपको प्रेस करना है। तो आपको आंसर मिल जाएगा ₹3,000। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अभी हम ढूंढेंगे बीईपी यूनिट्स में। चलो बीईपी यूनिट्स में भी ढूंढ लें। बीईपी यूनिट्स क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिला था एक बार देख लेते हैं। देखो अभी हमने सॉल्व किया था, कंट्रीब्यूशन था 4, चलो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, फिक्स कॉस्ट है हमारा 20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4। कितने यूनिट्स आएंगे, 5,000। आगे लिखना है यूनिट्स, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। बीईपी रुपीज एंड बीईपी यूनिट्स बोथ वी हैव कैलकुलेटेड। लेट अस सी फर्दर व्हाट इज आस्क्ड। फर्दर आगे आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ, जब भी ऐसा पूछेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो एमओएस का जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज करना है। प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। बीईपी हो चुका है हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, एमओएस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। कितना दिया था प्रॉफिट, एक बार चेक कर लेंगे। प्रॉफिट दिया था 40,000। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रॉफिट दिया है 40,000, पीवीआर कितना, पीवीआर है हमारा 40%। 40,000 को 40% से आपको डिवाइड करना है, कितना मिलेगा, दैट विल बी ₹1,00,000। एमओएस आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ चुका है एंड दैट इज 1,00,000। ठीक है, वेन एवर प्रॉफिट इज गिवन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो फिर वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट ढूंढ लेते हैं, फोर्थ नंबर, एक बार चेक कर लेते हैं क्या पूछा है लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में हमको पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। सेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या पूछ रहा है, सेल्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड सेल्स, required sales if profit is 1,00,000। फॉर्मूला काफी इजी है, ध्यान रखना। फॉर्मूला है required sales इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्या था हमारा फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट कितना 1,00,000 उन्होंने दिया है और प्रीवियर कितना है हमारा 40%। कैलकुलेट करो, 1,20,000 को डिवाइड करो 40%, आंसर मिल जाएगा ₹3,00,000। दैट इज योर कैलकुलेशन। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हमने देख लिया आज के क्वेश्चन में। आई होप कि इंट्रोडक्टरी सेशन आपका क्लियर हुआ है। अगर कोई भी पॉइंट में आपको कुछ क्वेरीज है, यू कैन पर्सनली मैसेज मी, चैट कर सकते हम। तो चैट का फंक्शन आपके पास इनेबल है, आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करने का काम करूंगा उस पर, और आपको उससे डाउट्स जो भी होंगे वो भी हम सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।